हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPNET न्यू काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें एंड ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPNET की नई मेरिट लिस्ट जारी हो गई है और नया शेड्यूल भी आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए चलते हैं इसके होम पेज पर। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPNET के होम पेज पर। ये देखिए फ्रेंड्स, नई काउंसलिंग, सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो फ्रेंड्स, मेरिट लिस्ट नई पब्लिश हो चुकी है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन, यहाँ पर आप लॉग इन करके अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन करके अपना देख सकते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैंने चेक किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट अगर देखा जाए, जिनकी रैंक 1000 से नीचे थी, तो उनकी रैंक में थोड़ा बदलाव हुआ है। उनकी रैंक थोड़ी कम हुई है, जिसकी 815 थी वो 809 पे आ गया है। और अगर 1000 से ऊपर की बात की जाए तो उनकी रैंक में लगभग 50 का 100 का अंतर पड़ा है, उनकी रैंक बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लगभग किसी की रैंक कम हुई है तो किसी की रैंक बढ़ी है। ये डिपेंड करता है CPNET पर उन्होंने क्या किया है, लेकिन आपकी रैंक में बदलाव हो चुका है। आपकी रैंक, किसी की रैंक बढ़ गई है तो किसी की रैंक घट गई है। किसकी रैंक बढ़ी है और किसकी रैंक घटी है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नए शेड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, नया शेड्यूल आ चुका है। ये 30 तारीख से फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट है, जो कि ओवरऑल रैंक 1 से लेकर 100 तक आपको 30 तारीख को जाना है, 30 सितंबर को। और उसके बाद में एक ओवरऑल रैंक 101 से 250 तक 1 अक्टूबर को जाना है, 250 से 600 तक 3 अक्टूबर को जाना है। और उसके बाद 601 से 1000 तक के सभी अभ्यर्थी का मतलब आप समझ गए होंगे, चाहे कौन, जनरल, OBC, SC, ST या फिर कोई भी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, सभी अभ्यर्थी लिख रहे हैं। इससे पहले सभी अभ्यर्थी नहीं लिखा था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आपकी रैंक 601 से लेके 1000 तक है तो आपको 4 अक्टूबर को जाना है, और 1000 से 1500 तक। ये देखिए, इन्होंने एक नई लिंक बढ़ा दी। इससे पहले केवल 1000 तक ही अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उसके बाद उन्हें उपश्रेणी दे दी गई थी फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन की, लेकिन इसमें एक नया लिंक बढ़ा दिया गया है। 1001 से 1500 तक 5 अक्टूबर को आपको जाना है, और 1500 के बाद केवल उपश्रेणी फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन के ओवरऑल रैंक 1500 से अंतिम रैंक, तो मतलब जो उपश्रेणी हैं उन्हें ही 1501 से लेकर अंतिम तक 6 तारीख को जाना है, 6 अक्टूबर। और ST एवं उपश्रेणी के ओवरऑल रैंक 15 अंत तक ये भी जा सकते हैं 6 अक्टूबर को। इसका मतलब जो PH क्या है, दिव्यांग है, FF क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक के पुत्र या पुत्री, और ST अनुसूचित जनजाति। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपके सामने नया शेड्यूल जारी हो चुका है, जो कि 30 तारीख से स्टार्ट है, और उसमें एक नया लिंक बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, नंबर 5 अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल रैंक 1001 से 1500 तक के अभ्यर्थी, एक नया लिंक बढ़ा दिया गया। इससे पहले केवल 601 से 1000 तक ही सभी अभ्यर्थी को आमंत्रित किया गया था, उसके बाद उपश्रेणी लगा दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज रात में ही आई है, सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि CPNET 2019 की काउंसलिंग में भाग लेने वाले हेतु दिनांक 25/9 को अपलोड कर दिए गए मेरिट सूची में अपना काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर, आपको काउंसलिंग लेटर भी डाउनलोड करना है, मेरिट सूची से अपना काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करना है, यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, और उसके बाद में लॉगिन कर देना है, तो आपका होम पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट तरफ ऊपर
लेफ्ट कॉर्नर पर तीन कुछ पड़ी लाइनें होंगी, वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर आठवां और नौवां ऑप्शन होगा आपका, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना काउंसलिंग लेटर। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप पूरा इस और इसके बारे में जानना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर लगेंगे। और फ्रेंड्स आप बिल्कुल DD बनवा लीजिए जो 5000 रुपये का यहाँ पर बन रहा है, तो आप DD कन्फर्म रहें। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने आ चुका है नया शेड्यूल, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले रिजर्वेशन करवा लिया था उन्होंने कैंसिल भी करवा लिया है। तो फ्रेंड्स अब ये चेंज नहीं होगा, तो आप बिल्कुल अपना जो भी करना चाहें करा सकते हैं, अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसके मेरिट में कितना बदलाव हुआ, काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट बढ़ ही गई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।